वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिब उल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। बरतानिया में दहशतगर्दी के वाकयात के बाद अमेरिका में भी शहरियों के तहफ्फुज़ से मुतल्लिक बहस ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। लंदन हमला, मुकामी और बैनुल अक्वामी रद्द अमल। वी विल टेक ऑन एंड डिफीट आवर एनिमीज। क्या निसाब में तब्दीली पाकिस्तान में नौजवानों को इंतहा पसंदी से दूर रख सकती है? मसला है कि मजहब की जो बहस चल रही है। और अमेरिका में कॉलेज से ग्रेजुएट करने वाले तालिबे इल्मों के ख्वाब और उम्मीदें। नथिंग वर्थ डूइंग एवर 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 केम इजी। लंदन में बम हमलों के बाद अमेरिका के अहम शहरों में सिक्योरिटी सख्त की गई है। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लासियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंदन के शहरियों को उनकी हिम्मत और बहादुरी पर खिराज तहसीन पेश किया है, जबकि यहां वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर लंदन के पाकिस्तानी नजाद मेयर सादिक खान को इस हमले पर उनके रद्द अमल के बाद तनकीद का निशाना बना चुके हैं। लंदन हमलों के हवाले से मजीद अपडेट्स के लिए चलते हैं ताबिंदा नईम के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। ताबिंदा, लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी सारा, लेटेस्ट अपडेट ये है कि लंदन हमले के तीसरे मुलजिम को शनाख्त जाहिर कर दी गई है। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि जो तीसरा मुलजिम है इस हमले में मुलविस, उसका नाम यूसुफ जगबा कहा गया है। वो अतालवी मराकशी शहरियत का हामिल 22 साल का नौजवान है। इसके अलावा लंदन के अंदर 130 मसाजिद के इमाम जो हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस हमले के जो मुलजमान हैं उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ वाशिंगटन के अंदर कल से एक ट्वीट स्टॉर्म चल रहा है, बहुत बात हो रही है उसके ऊपर। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल लंदन के मेयर सादिक खान को तनकीद का निशाना बनाया था कि उनका रद्द अमल लंदन हमलों के रिस्पॉन्स में, जो उन्होंने कहा अपने लंदन के अवाम को तसल्ली देने के लिए कि उन्हें अलार्म नहीं होना चाहिए अगर वो लंदन की सड़कों के ऊपर ज़्यादा फौज और पुलिस और गैर मामूली हिफाजती इकदाम देखें, इसको उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था और इसके ऊपर बहुत बातचीत की जा रही है। लेकिन ये कि सादिक खान जो है उन्होंने आज भी खिताब किया है लंदन के अंदर, और उन्होंने अपने अवाम को मुत्तहिद रहने के लिए, लंदन के शहरियों को बहुत विजिलेंट रहने के लिए कहा है। उन्होंने बहुत सी बात की, उसके ऊपर हम आकर बात करेंगे। लेकिन हमारे साथी हेनरी रिजवल, उन्होंने लंदन के अंदर उस रिहायशी इलाके के अंदर उस मुलजिम जो कि पाकिस्तानी नजाद मुलजिम है खुर्रम शहजाद, उसके पड़ोसियों से बात की, कुछ लोगों से बात की। आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं, फिर आपको मजीद अपडेट्स देते हैं। मशरकी लंदन के कसीरो सकाफती रिहायशी इलाके बार्किंग के रहने वाले हफ्ते को होने वाले दहशतगर्द हमले के मुलजिमान में अपने एक पड़ोसी का नाम सुनकर खौफ और तजब्जुब का शिकार हैं। 27 साल मुबैना मुलजिम खुर्रम शहजाद, जिसका ताल्लुक जहलम से बताया जा रहा है, इस इमारत में अपने दो बच्चों और बीवी के साथ मुकीम था। पड़ोसी कहते हैं कि दो साल पहले उन्होंने खुर्रम शहजाद के बारे में पुलिस से शिकायत की थी। तमाम कम्युनिटी लीडर्स मसाजिद की इंतजामिया का एक ही मौकफ है कि वो दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बहुत परेशान है क्योंकि इससे नुकसान इन्हीं का होगा। इलाके की जाबिर बिन ज़ियाद मस्जिद की दूसरी तरफ सेंट मार्गरेट चर्च ऑफ इंग्लैंड की इमारत है और इसी सड़क पर मशरकी लंदन का सिख गुरुद्वारा। इलाका रिहायशी कहते हैं कि वो सालों से इस इलाके में मिलजुल कर रहते आए हैं और इस वक्त खौफजदा हैं। You can't even go in the bus now because you're scared. इलाके की मुसलमान कम्युनिटी खुद को दहशतगर्दी के इस वाके से लाताल्लुक करार देती है, लेकिन उन्हें इस वाके के रद्द अमल का खौफ सता रहा है। It's a very friendly environment, the people living here. यहाँ लोग दोस्ताना माहौल में रहते हैं, कोई दहशतगर्द नहीं है। ये कोई काबिले कबूल बात नहीं कि मुसलमान बरतानिया में ही नहीं दुनिया भर में हमेशा टारगेट किए जाते हैं। इन्हें सोचना चाहिए कि मुसलमान दुनिया भर में कत्ल किए जा रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि मुसलमान ही सिर्फ सबसे ज्यादा बुरे हों और बाकी सब अच्छे लोग हों। लंदन में हुकाम तहकीकात कर रहे हैं कि इलाके में रहने वाले कौन कौन लोग खुर्रम शहजाद या वाके के दूसरे मुलजिम के बारे में किसी किस्म की मालूमात रखते थे। इलाके की मुसलमान कम्युनिटी तहकीकात में तावुन कर रही है। ताबिंदा, रिपोर्ट से पहले आप सदर ट्रंप और लंदन के मेयर सादिक खान के दरमियान ट्विटर स्टॉर्म की बात कर रही थी, तो सादिक खान ने भी तो फिर सदर ट्रंप की तनकीद के जवाब में कहा है कि उन्हें यूके नहीं आने देना चाहिए। जी, सादिक खान ने ये कहा है कि अमेरिका और बरतानिया का बहुत पुराना ताल्लुक और बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन जब दोस्तों के साथ मुश्किल की घड़ी में खड़े हुआ जाता है तो उनकी गलतियों की निशानदेही भी करनी चाहिए। लेकिन बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा बोरिस जॉनसन ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका दौरा, जो कि बरतानिया का दौरा जो कि इस साल के आखिर में होना है,
वो पहले से तयशुदा है, तय पा चुका है और उसको मुलतवी करने का जो ये जो बात की गई है जो लंदन के मेयर सादिक खान ने की है वो उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो सादिक खान की जो बात वो कर रहे हैं लंदन के शहरियों को तसल्ली देने के लिए वो हर बात के साथ मुत्तफिक हैं। जो अमरीका के वजीर खारजा हैं रेक्स टिलरसन वो इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं और उनसे इस बारे में पूछा गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ट्वीट्स कर रहे हैं उससे अमरीका को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है या इससे कोई नुकसान होने का अंदेशा है। उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी बात कहने का उनका अपना एक तरीका है और उनकी जो बात वो ट्विटर के ज़रिए करते हैं उसका उनको फ़ायदा भी पहुंचता है, वो अपनी बात बराह रास्त दुनिया तक और अमरीकी आवाम तक पहुंचा सकते हैं और वो नहीं समझते कि उन्हें उनको कोई मशवरा देने की ज़रूरत है कि वो अपना अंदाज तब्दील करें। ठीक, ताबिंदा नईम हमें अपडेट दे रही थी लंदन हमलों के बाद सामने आने वाले सियासी रद्देअमल की। थैंक यू ताबिंदा। और पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिनमें पढ़े लिखे नौजवान शिद्दत पसंदी की तरफ माइल दिखाई दिए। माहरीन कहते हैं कि ये खतरनाक रुझान है जिसे रोकने के लिए फौरी और नागुजीर तब्दीलियों की ज़रूरत है। तफसीलात मदीहा अनवर की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता माह खैबर पख्तूनख्वा में 23 साल मशाल खान के कत्ल और लाहौर से नौरीन लगारी की गिरफ्तारी के वाक़यात में बज़ाहिर कोई रब्त नहीं, मगर सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक माहरीन कहते हैं कि ये दोनों वाक़यात पाकिस्तान को दरपेश एक संगीन मसले की निशानदेही करते हैं और वो मसला है पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान तबके का शिद्दत पसंदी की तरफ बढ़ता रुझान। दिफाई उमूर की तज़्ज़ियाकार आयशा सदीका ने इस मौजू पर बज़रिया स्काइप वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू की। मसला है कि मजहब की जो बहस चल रही है उसमें जो आवाजें उनके कानों तक के नौजवानों के कानों तक पड़ रही हैं वो यही हैं जो उन्हें इस किस्म के कामों की तरफ उकसाती हैं। नौरीन लगारी हमें क्यों हैरान करती है? देखिए, उससे पहले मुल्तान से एक लड़की पढ़ के बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की से जो कि सैन बर्नाडिनो में गई और उसने अपने मियाँ के साथ मिलके गोलियां चलाईं और लोगों को मारा, सो उसमें वो सैन बर्नाडिनो वाली भी आती है, उसमें नौरीन लगारी भी आती है। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं जो समझते हैं कि उनको शायद रास्ता मिल गया है दुनिया का भी और आखिरत का भी और वो उस चक्कर में चल पड़ते हैं। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 20 करोड़ के लगभग है जिसमें से 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 18 से 29 बरस की उम्र के अफराद की तादाद 5 करोड़ के करीब है। दिफाई उमूर के माहिरीन का कहना है कि पढ़े लिखे नौजवानों की शिद्दत पसंदी की तरफ माइल होने की कई वजूहात हो सकती हैं। मजहब और मुआशरे से मुतालिक पेचीदा सवालात, सियासी इबहाम, मुल्क में तेजी से पनपती शिद्दत पसंदी के अलावा एक बड़ा मसला दाइश जैसी तंजीमों के ऑनलाइन नेटवर्क्स का है। ये नेटवर्क्स शिद्दत पसंदी से मुतालिक अपने एजेंडे की तकमील के लिए इंटरनेट पर मजहब की आड़ में अपने सवालों के मुतलाशी नौजवानों के जहनों को मुतासर करते हैं। देखिए, ये तो एक बड़ी एक बुनियादी नुक्ता है कि जब आप लोगों का जहन बदलेंगे तो जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो बदलेंगे, जो तारीख आप पढ़ा रहे हैं वो बदलेंगे। माहिरीन के नज़दीक पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ढांचे में फौरी और नागुजीर तब्दीलियाँ और रियासत में मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों के लिए हम आहंग की उजागर किए बगैर शिद्दत पसंदी से निमटना मुमकिन नहीं। इस वक्त हमारे साथ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिलैंड से डॉक्टर मदीहा अफजल जो कि पाकिस्तान में निसाब पर तहकीक कर चुकी हैं और उनसे हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक्सट्रीमिज्म का और निसाब का जो ताल्लुक है वो क्या है और कैसे इसमें तब्दीली लाई जा सकती है। सो वेलकम टू व्यू 360। ये बताइए, पाकिस्तान में निसाब में तब्दीली की कोशिशें पहले भी की गई हैं और कुछ मवाद निकाला गया है, उसको रिप्लेस भी किया गया है, कमी किस जगह पर देखती हैं आप इन हालात को देखते हुए? पाकिस्तान में जो भी चेंजेस हुए हैं करिकुलम में बहुत मार्जिनल हैं, बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं और कई दफ़ा वो रिवर्स हो जाते हैं। पाकिस्तान को एक फुल होल सिस्टम चेंज की ज़रूरत है, उसमें कंटेंट में भी चेंज की ज़रूरत है, द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट बुक्स में भी ज़रूरत है और टाइप ऑफ टीचिंग में भी ज़रूरत है और वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। रोट लर्निंग अभी भी चल रही है, एग्ज़ाम्स में बिल्कुल जिस तरह टेक्स्ट बुक्स में मेमोराइज करते हैं स्टूडेंट्स वही लिख देते हैं, देर इज़ नो क्रिटिकल थिंकिंग। पढ़ाया जा रहा है वही इंतहा पसंदी की तरफ नहीं बाज़ात माइल करता, जिस तरह पढ़ाया जा रहा है वो प्रोसेस भी अपने में अहमियत रखता है। बिल्कुल सारा, और इसमें जब आपने चेंज की बात की है तो इसमें यूनिफॉर्मिटी कैसी लाई जाए? 18वीं तरमीम के बाद अब तालीम जो है वो सूबों की जिम्मेदारी है, 4 सूबे हैं पाकिस्तान के,
एक यूनिफॉर्मिटी कैसे होगी, निसाब हर जगह एक जैसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान बहुत यूनिक है, इट्स वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसमें एक फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है. अब तो ऑब्वियसली करिकुलम में एक यूनिफॉर्मिटी इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. एक यू नो आई थिंक अभी भी फेडरल गवर्नमेंट लीडरशिप ले सकती है इस प्रोसेस में और एक डायरेक्शन दे सकती है प्रोविंसेस को. अभी तक प्रोविंसेस जो हैं थोड़े थोड़े मार्जिनल चेंजेस कर रहे हैं, बहुत मेजर उन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं. किसी प्रोविंस ने भी अपना करिकुलम एक्चुअली खुद लिखा नहीं है. तो दिस प्रोसेस टेक्स टाइम, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अभी भी विदाउट अ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक अपनी लीडरशिप एक्सरसाइज कर सकती है एक प्रोग्रेसिव करिकुलम. अच्छा, प्राइवेट तालीमी इदारों की बात करते हैं, वहाँ ऐसे बहुत से पाकिस्तान में तालीमी इदारे खासतौर पर हायर के जो हैं जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का निसाब पढ़ाया जाता है, जब उन इदारों से पढ़ के निकलने वाले इंतहा पसंदी की तरफ माइल होते हैं तो फिर आप निसाब का और तालीमी इदारे के माहौल का क्या ताल्लुक देखती हैं? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. एक इसमें आई थिंक टू थिंग्स हैं. एक ये है कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का क्या एटीट्यूड है. अगर एक इंटरनेशनल लेवल करिकुलम है, क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है करिकुलम में, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का एक मोर प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगा. लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस तो होते हैं, ये तो नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स यू नो टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं. एग्जैक्टली, तो थोड़ी उसमें एक एक्सेप्शंस और एबरेशंस हैं. लेकिन पाकिस्तान में इवन जो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी बहुत डिपेंड करता है, प्रोफेसर टू प्रोफेसर बहुत डिपेंड करता है, फील्ड टू फील्ड. सो फॉर इंस्टेंस अगर आप मेडिकल या साइंस या इंजीनियरिंग वाली जो फील्ड्स हैं, वाइल दे आर वेरी रिगरस, उन सब्जेक्ट्स में जब साथ हिस्ट्री और सोशल स्टडीज़ जो है वही पढ़ा रहे हैं जो कि हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, तो दे आर नॉट रियली गेटिंग अ चांस टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंटली. लेकिन जब हम बात करते हैं निसाब तब्दील करने की, तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है, हसासियत बड़ी पाई जाती है इसके इसको लेकर. तो तब्दीली के लिए लोगों को कैसे तैयार किया जाए, उनको कैसे बताया जाए कि ये एक ज़रूरत है वक्त की? बिल्कुल, क्योंकि माइंडसेट तो बना हुआ है कि तारीख एक जो पढ़ते हैं हमेशा से दहाइयों से कहीं से वो उसी लाइन पर हैं अभी तक. बिल्कुल, एक तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये चेंज हुआ है, करिकुलम ऐसा नहीं था बिफोर 1980. ये एक कंसर्टेड एफर्ट है कि करिकुलम को इस तरह बनाया गया, तो दिस इज़ नॉट नेसेसरली द ट्रूथ जो कि पढ़ाई जाती है. एंड ऑल्सो पाकिस्तान नीड्स टू ओन इट. ये कोई वेस्टर्न एजेंडा नहीं है, ये पाकिस्तान को अपने लिए बेहतरी के लिए चेंज करना है. सो अपने स्कॉलर्स से आप टेक्स्ट बुक्स लिखवाएं, दे आर प्लेंटी ऑफ वेरी वेरी गुड स्कॉलर्स, उनसे आप टेक्स्ट बुक्स लिखवाएं और आप मार्जिनल चेंजेस करें. आप मेट्रिक के एग्जाम को या जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको आप डीएम्फसाइज करें और क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स को, गेट देम टू हैव क्लासरूम डिस्कशंस. एक डिस्कशन वाला एटमोसफेयर, एक टॉलरेंस वाला एटमोसफेयर बनाएं एज अपोज टू एक यू नो टेक्स्ट बुक्स को रटने वाला. ब्रीफली ये बताइएगा कि सियासी असर रसूख से कैसे पाक रखा जाए और क्या क्वालिफिकेशन होने साहब बनाने वाले की? ब्रीफली एकेडेमिक्स को बेसिकली करना चाहिए इसमें, बिकॉज दे नो दे आर नॉन पार्टिजन, नॉन पोलिटिकल, दे नो वट नीड्स टू बी डन. एंड कभी भी मतलब बाहर भी आप अगर यहाँ देख लें अमेरिका में, पॉलिटिक्स डजंट इंटरफेयर इन द करिकुलम, इट शुडंट. बिल्कुल, वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर मदिया अफजल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू. थैंक यू. और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और वीडियोस के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आज अब हमारे सिलसिले जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान की सूरत हाल का तफसीली जायजा पढ़ सकते हैं. और अब वर्ल्ड व्यू, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आने वाले अहम और दिलचस्प वाकयात की झलकियां. इंतजामिया से मुतालिक अहम मालूमात मीडिया को फराहम करने के इल्जाम में रियलिटी लिमिनर पर स्पिनियोच एक्ट के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी गई है. रियलिटी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करती थी. अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से लीक होने वाली एक दस्तावेज के मुताबिक रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अमेरिकी इंतखाबात के दौरान वोटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम को हैक करने की कोशिश की और ये कोशिश इंतखाबात से एक रोज कब्ल तक जारी रही. कतर की दरख्वास्त पर कुवैत के अमीर शेख सबल अहमद खलीजी ममालिक और कतर के दरमियान कशीदगी पर बातचीत के लिए सऊदी अरब जाएंगे, जबकि तुर्की के सदर उर्दवान ने इस हवाले से कतर, रूस, कुवैत और सऊदी अरब के सरबराहान से टेलीफोन पर राब्ता किया है. अमेरिका की हिमायत याफ्ता शामी फौज ने रका में दाइश के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है. शाम के इस शुमाली इलाके को दाइश की मजबूत पनाहगाह होने के बायस इस ऑपरेशन को बहुत अहम समझा जा रहा है. हमारे हफ्तावार एजुकेशन सेगमेंट के लिए अब चलते हैं नीलोफर मुगल के पास. नीलोफर, आज क्या लेकर आई हैं आप?
जी सर, अमरीका में इन दिनों कॉलेज ग्रेजुएशन की तकरीबात जारी है, इसका मतलब है कि बहुत से नौजवान अब काम की तलाश में हैं, और आज हम आपको चार यूनिवर्सिटीज़ में लेके जा रहे हैं जहां ग्रेजुएशन की तकरीबात है। यहां पर बाल कट रहे हैं, यहां पर इस्त्री हो रही है, 4 साल की पढ़ाई अब एक लम्हे की मुंतजर, ग्रेजुएशन। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन ये खौफ ज़दा और आसाब शिकन है। इफ्तिताही तकारीर करने वालों ने तलबा की परेशानी को कम करने और उनकी हौसला अफजाई की पूरी कोशिश की। Remember this, nothing worth doing ever, ever, ever came easy. Think big, not small. Our democracy. इस मौसम बहार में अमरीका भर के कॉलेजेस से 30 लाख तालिबे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। CareerBuilder.com के मुताबिक ये स्टूडेंट्स आइंदा 10 बरसों में एक ऐसी जॉब मार्केट का हिस्सा बनेंगे जो 10 सालों में बेहतरीन मार्केट है, लेकिन हर ग्रेजुएट होने वाले के सामने कोई वाज़े मंसूबा नहीं। मेरे हाथ में नौकरी नहीं, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ। बहुत मुमकिन है कि मैं 90% तालिब इल्मों की तरह उस फील्ड में काम न करूँ जिसमें मैंने पढ़ा है। कुछ लोग इस पुर उम्मीदी को मुल्क के मुस्तकबिल से भी जोड़ते हैं। डेनकॉर लिबर्टी कॉलेज में एक आरजी हज्जाम का किरदार अदा कर चुके हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद असलहे के अपने खानदानी कारोबार को संभालेंगे। स्टॉक नंबर्स उरूज पर है, मुलाजमतों के मौकों में इजाफा हुआ है, अमरीकी ताकत और जज्बे में इजाफा हुआ है। कुछ का कहना है कि कॉलेज में दाखिले के वक्त के मुकाबले में अब दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। एक मुसलमान की हैसियत से मुझे बहुत ज्यादा खौफ का सामना है जब से ट्रंप सदर बने हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कुछ नए ग्रेजुएट तारीख को तब्दील करने का अज़्म रखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का उसूल है कि जो यहाँ शुरू होता है वो दुनिया को तब्दील करता है। कॉलेज से मुतालिक कुछ ऐसा है जिससे पुर उम्मीदी और अज़्म पैदा होता है, अब ये इन तालिब इल्मों पर है कि वो इसे आगे कैसे लेकर जाते हैं। और US ब्यूरो ऑफ लेबर की आदाद शुमार के मुताबिक 2017 में मुलाजमत के सबसे ज्यादा मौके होम केयर, फिजिकल थेरेपी और नर्सिंग जैसे सेहत के शोबों में पैदा होंगे। बैक टू सारा एंड साकिब। थैंक यू सो मच नीलोफर। बिल्कुल, थैंक यू नीलोफर। और सारा, आपने अभी इन नौजवानों के तासुरात देखे, लेकिन एक रवायत और जो अमेरिका के ग्रेजुएशन सेरेमनीज और स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की खास बात है वो है कि यहाँ पर कामयाब और बासर शख्सियात को नौजवान ग्रेजुएट्स को खिताब के लिए बुलाया जाता है। बिल्कुल, और इस मौके पर ये लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ अपने तजुर्बात शेयर करते हैं और उन्हें कुछ कर दिखाने के लिए इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कि इस साल तालिब इल्मों को कुछ अहम शख्सियात ने ज़िंदगी में कामयाबी के लिए क्या उसूल बताए। Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. The more people tell you it's not possible, that it can't be done, the more you should be absolutely determined to prove them wrong. Treat the word impossible as nothing more than motivation. Whatever your dreams are today, dream even bigger. Wherever you have set your sights, raise them even higher. And above all, keep going. Make it your intention to serve through your life with purpose. You will have a blessed life. Our generation can bring people together like no other. You can innovate, create, and lead. So words of wisdom. मुझे तो मार्क ज़करबर्ग की बात बहुत अच्छी लगी कि आइडिया कभी मुकम्मल नहीं होता, वो मुकम्मल उस वक्त होता है जब आप उस पर काम शुरू करते हैं। बिल्कुल, और हिलरी क्लिंटन ने जैसे कहा कि जो भी अपना एम जिंदगी में रखा है उससे भी बढ़ के सोचें, और ओपरा मुझे बहुत पसंद है तो उनकी बात मैं जरूर याद रखूंगी कि अपनी जिंदगी को सर्विस के लिए इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा आज का View 360। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/voaurdu। और कल फिर इसी वक्त इसी जगह आपसे मुलाकात होगी। Have a nice evening.